राम राम। इंडिया गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि इस नाम का एजेंट सलीम शेख है जो डीडवाने का रहने वाला है, उसका कार्यालय डीडवाना में है। टिब्बा एक्सपोर्ट नाम की उसकी ऑफिस है। उसका मोबाइल नंबर है जो हमारे से दानाराम 1,00,000 रुपये 10,000 रुपये दिए, मंदन ने 1,30,000 रुपये दिए, और रणजीत ने 80,000 रुपये दिए, और राहुल ने 80,000 रुपये दिए, और विशाल वर्मा ने 80,000 रुपये दिए, पप्पू राम ने 1,00,000 रुपये दिए। हमको एयरपोर्ट पे लाकर छोड़ दिया। इंडिया से बोल कर लाया कि आपको दुबई में 2 साल का वीज़ा है, लेकिन ये वीज़ा विजिट था जो 1 महीने का था। हम 20 दिन से परेशान हैं, हमारे पासपोर्ट का पता नहीं है, इंडिया से आने के बाद खाना भी नहीं खाया है। आप इंडिया गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द मदद किया कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जी हाँ, ये सिचुएशन, ये वीडियो आपने देखा है, लगभग 1 मिनट का है। मुझे किसी बंदे ने सजेस्ट किया था आज से 3 से 4 दिन पहले, लेकिन टाइम शेड्यूल नहीं होने की वजह से मैं डाल नहीं पाया। ये वीडियो राजस्थान का है, नागौर साइड का है ये वीडियो। वहाँ के लोग हैं, गरीब बंदे हैं। आपको इनकी बोली से लग रहा होगा कि ये बिल्कुल गरीब बंदे हैं। ये खुद बता रहे हैं कि 1,00,000 रुपये हमने एजेंट को दिए। एजेंट ने फिर मेरे पास, एक बंदे ने वॉइस भेजी, उन्होंने बताया कि एजेंट ने को 1,00,000 रुपये दे के आए, लेकिन उन्होंने जो अग्रीमेंट किया था ना, उस अग्रीमेंट में उन्होंने 10,000 रुपये लिखे हैं। जी हाँ, कि इन्होंने 10,000 रुपये ये लोग दे के हमें दुबई जा रहे हैं, जबकि वो इंग्लिश में था, लोगों को नहीं पता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता लगा। ये विजिट वीज़ा में इंडिया से दुबई पहुँचे हैं। जी हाँ, अब इंडिया से दुबई या किसी भी देश में विजिट वीज़ा में जाने का, हालांकि लोग जाते हैं दुबई में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चांसेस फंसने के हो जाते हैं। और ख़ास तौर से मैं बता दूं, गलती आप लोग कहाँ करते हैं, एजेंट होता है, आप उसको 50,60,70,000 लाख रुपये 1,50,000 पंजाब साइड के तो लोग दे के जाते हैं। 1 महीने का वीज़ा आपको देते हैं 6,000-7,000 का, टिकट देते हैं 15,000 की समझ लो, अभी पहले तो टिकट सस्ती आती थी, 25,000 में आप लोगों को ये दुबई पहुंचा देते हैं, बाकी पैसा पूरा का पूरा जेब में डाल लेते हैं। और दुबई में जो लोग रहते हैं या फिर यहाँ से दुबई में जाने के बाद उनको पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि अपने साथ एजेंट ने चीटिंग की है, जबकि कंपनियाँ वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसे से लगाती हैं आपका, जिसका लगभग 1,00,000 रुपये कॉस्ट आती है। जी हाँ, उधर से एजेंट ने आपको मारा, उधर से कंपनी का एहसान कि हमने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, इसलिए हम आपका यूज़ करेंगे। अब ये बंदे बताओ 1 महीने से वहाँ पे भटक रहे हैं। बंदे ने एक वॉइस और भी है मेरे पास में, उसने पूरी स्टोरी बताई, बोला इनको जॉब नहीं मिला, बैठा के रखा, खाने के पैसे नहीं है, अब ये लोग भटक रहे हैं, कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा कि आप इनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ना कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है। पहली बात तो अनपढ़, समझ रहे हैं, दूसरी बात 1 महीने के विजिट वीज़ा में जाना बड़ी प्रॉब्लम, तीसरी बात इनको कैसे भी ठग लो, 1,400 दिरहम में इनको बल्दिया कंपनी के नाम से दुबई में भेजा गया है। अब रियल सिचुएशन क्या है आप समझ सकते हैं, एजेंट कितना भी सही हो, लेकिन यहाँ पे गलत इसलिए हो जाता है कि पहली बात तो 1 महीने के वीज़ा में दुबई में जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए आगे के लिए। कम से कम जाते, पहली बात तो देखिए, इंडिया से किसी भी देश में विजिट टू वर्क इनलीगल है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इंडिया से जितने भी चाहे आपको मैन पावर ऑफिस वाला भी भेज रहा है ना, तो भी विजिट टू वर्क इनलीगल है, गलत है, सरकार इस चीज की इजाजत नहीं देती है, इंडियन कानून इस चीज का इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैन पावर है जी, इसलिए लोग चले जाते हैं, लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि वे सरकार तो एक्सेप्ट कर लेती है, विजिट वीजा को कन्वर्ट कर देती है, तो आपको लगता है कि हाँ हो रहा है ना, इनलीगल कहाँ है, लेकिन इंडिया से विजिट वीजा में जाकर वहां जॉब सर्च करना, फिर वापस धक्के खा के वापस आते हो, तो आपकी तो गलती नहीं होती, लेकिन जो भेजने वाला एजेंट है उसकी तो गलती होती है ना। जिस कंपनी में गए थे बल्दिया के नाम से, बाकायदा अखबार में ऐड दिया जाता है, इसमें लाइसेंस नंबर लिखे जाते हैं, मैंने सर्च किया, जिसके नाम से ऑफिस है उसके नाम से कोई लाइसेंस नंबर राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है। राजस्थान में अभी 55 मैन पावर ऑफिस है, इस नाम से कोई राजस्थान में मैन पावर ऑफिस नहीं है, पता नहीं कहां का इन्होंने लाइसेंस नंबर अपने एड में डाला है, जो कि दूसरी गलती है। तीसरी गलती, इनको विजिट वीजा में नहीं भेजना चाहिए था, अगर भेजना होता तो भी कम से कम 3 महीने का वीजा बंदे को लेके जाना होता है। जी चौथी गलती, 1,00,000 रुपये विजिट वीजा में लिए हैं, 10,000 रुपये अग्रीमेंट में लिखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आगे से उम्मीद मैं ये आप लोगों से भी करता हूं कि जाने से पहले 100 बार सोच लें। और भाई देखिए, मैन पावर ऑफिस से जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, मैन पावर ऑफिस से जाओगे, दिक्कत हो भी जाती है तो पूरे रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने आप फ़ोन करना पड़ेगा उनको, उनको पता है कि वरना ये वापस आके अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे।
मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करें। इस बुक में भी ये बातें सब बताई गई है। मैन पावर ऑफिस एड्रेस राजस्थान में कहाँ है, 55 मैन पावर ऑफिस हैं, जबकि इंडिया में राजस्थान अकेले में 5500 से ऊपर एजेंट मिल जाएंगे आपको, जबकि मैन पावर 55 ही एजेंट है, समझ गए। लेकिन फर्जी एजेंट हैं, जो सब एजेंट बोल दो, अनपढ़ कैटेगरी के बहुत सारे लोग होते हैं जो एजेंटों से एक मारने की कोशिश करते हैं, ठग लो जी उनको, देना आगे 40,000 होते हैं, वो एजेंट को लाख रुपये बता देते हैं, आगे बंदे को लाख रुपये दे दो जी, एक महीने वाले वीजा में भेज देते हैं, बंदा फंस जाता है, फिर इधर से बोलते हैं तो गाली गलौज करना, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, धमकी देना, ऊपर से उनको ये लगता है कि हम तो कलेक्टर हैं, आपको विदेश में जॉब लगवा दिया, समझ रहे हैं बात को। तो सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहली बात तो आपका एजेंट आपका समाधान करेगा, नहीं समाधान करेगा तो इंडियन कानून तैयार है, वो उनका समाधान कर देगा। आप ये बातें समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।